खाती हूँ और शाम को पाइनएप्पल खाती हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी. पर अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, लिटिल लिटिल थिंग्स, जैसे अब अगर मुझे बालों में ये 3 गुलाब भी लगाने, मैंने 4 लोगों से पूछा कि कहाँ किसी के पास 100 रुपये हैं, बिकॉज द गुलाब वाला इज ऑल्सो नॉट टेकिंग मनी. एंड यू नो, देर आर प्लेसेस, लॉट्स ऑफ सिंपल प्लेसेस विच यू टेक फॉर ग्रांटेड कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है या फिर वहाँ पे नहीं चलता. सो द टाइम टू गो टू द बैंक वो नहीं है. पर उसके अलावा आई थिंक इट्स अ चेंज and we need to support the government by not complaining too much. And the one thing that we need to do is have patience. It'll correct in itself in 4-5 days. The system will fall back into place once people are aware. So wo ha, par mujhe fruit khareedne mein bahut problem hui thi aur mujhe roz fruit khane ki aadat hai. Kitni udhari hui aapki fruit wale ke sath, kisi bhi sath, jitne logon ke sath aapne खरीदा हो कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज. अब मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो पीछे बैठी हैं वो अभी मुंह छुपा रही हैं अपना. वो मोह माया मनी की टी शर्ट, उन्होंने मेरे 3 गुलाब के पैसे दिए हैं. पर उसके अलावा मेरा जो असिस्टेंट है वो मड आइलैंड में रहता है, वो मेरे को रोज बोलता है दीदी आज 100 रुपये दे दो. मैंने बोला रोज तू साले 1000 रुपये मांग के चले जाता है, आज 100 रुपये में तेरी बोट ठीक आ गई. तो बस सबका जो है ना बदल गया थोड़ा सा सीन. पर उधारी बस लेन देन में एक साथ हम भाईचारे में निकाल ही रहे हैं काम. नेहा, इन दिनों आप हर हफ्ते सुर्खियों में आ जाती हैं, आपके कुछ सवाल हैं जो खूब सुर्खियां बटोरते हैं. अब आपको समझ में आ रहा है कि आपसे जब हम सवाल पूछते हैं तो किन सवालों से आप बचती हैं, क्या चल रहा है सिनारियो आपके दिमाग में, क्या चल रहा है, क्योंकि आपके सवाल सुर्खियां बन गए हैं आजकल. वेल, आई थिंक मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता, बस वही है कि जो हम सुर्खियां बनाने के लिए, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये शो बनाऊंगी. पर आई रिस्पेक्ट जब आप लोग भी हमें सवाल पूछते हैं एंड इट्स वेरी नाइस. और मैं जर्नलिस्ट तो नहीं वो बनी हूँ, पर दोस्त के हिसाब से अगर मैं नो फिल्टर नेहा पर किसी से सवाल पूछती हूँ तो वो जवाब दे देते हैं. और मेरे सवाल सुर्खियों में नहीं आते, उनके जवाब जो हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं. सो दे आर फ्रेंड्स, दे आर वेरी स्मार्ट एंड इट्स अ बैटल ऑफ विट्स. और हर एपिसोड में वो लोग जीत जाते हैं मेरे से, सो आई एम फाइन विद दैट. हम मोह माया मनी की बात करें, ये भी मोह माया मनी ही है, तो अगर आप कुछ बताना चाहें क्योंकि ये सही है, आप मानती हैं ये स्टेटमेंट सही है? See, everybody is entitled to their own opinion and I respect Kangana for having her opinion. और जहाँ तक आपका वो दूसरा हिस्सा है कि मैं रितिक की बहुत करीब दोस्त हूँ, मैं रितिक को बहुत सोशली जानती हूँ, उसके अलावा नहीं जानती. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ रितिक एंड कंगना बोथ. और अगर उनकी ओपिनियन वैसी है तो आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू आस्क हर व्हेन यू मीट हर नेक्स्ट. प्लीज यार, फिल्म से रिलेटेड पूछ लो ना कुछ. जब आप सवाल तैयार करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं, अभी बहुत खबरों में है ये चीजें, जब आप सवाल तैयार करती हैं और लोगों से जब आप बताती हैं कि ऐसे सवाल हम पूछेंगे, तो कोई रोक टोक होती है? कोई कहता है यार नहीं, सिर्फ ये प्रमोशनल सवाल पूछना जो आपके पास आते हैं, यार ये सवाल मत पूछना? तो इस समय किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले तो मैं सवालों को पूछूं कि जो हमारी राइटर हैं मानसी, वो नो फिल्टर की भी राइटर हैं, सवाल काफ़ी सारे उन्होंने पूछे. रिसर्च मैं करती हूँ और जब मैं रिसर्च करती हूँ तो हमारी रिसर्च इतनी बैंकेबल होती है कि जो चीज़ें आप शो पर सुनते हैं वो जब मेरे दोस्त या सेलिब्रिटीज़ आगे बैठे होते हैं वो मना नहीं कर सकते. पर मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने 12 सेलिब्रिटीज़ के साथ सीज़न 1 किया है और किसी ने अभी तक ये नहीं कहा रिकॉर्डिंग होने के बाद, अच्छा वो वाला काट देना या कुछ और काट देना. एक दो लाइनें बोली हैं लोगों ने कि यू नो उसमें आई वाज साउंडिंग रेपिटेटिव या जहाँ पे ग्रामर गलत हुआ हो वहाँ पे लोगों ने बोला है वहाँ पे कट करो. पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली बोल्ड, एक्सट्रीमली फनी एंड सम ऑफ माई फेवरेट्स ऑन द शो आर येट टू कम. करण जौहर डेफिनेटली वॉज अ हॉट फेवरेट, रणबीर बिकॉज वो इतने कैंडिड था एंड फारा खान, आई थिंक मेरी जो बोलती थी वो पूरी तरह बंद हो गई थी फारा के आगे. सो वो बहुत मुश्किल है मेरा मुँह बंद करना. बट आई मीन आई वॉज अमेज्ड कि पीपल कैन बी लाइक ऑल द सेलेब्स. मैंने उनको सोचा था कि ऐसे लोगों को लाएं जो बहुत ही अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, पर ये तो उससे 10 गुना आगे निकले सबके सब. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सीज़न 2. अभी हमने अनाउंस नहीं किया है, बट देयर विल डेफिनेटली बी अ सीज़न 2 एंड वी विल नॉट हैव टू वेट 1 ईयर. आई थिंक सीज़न 2 विल बी हियर विद इन अ फ्यू मंथ्स. सवाल
न्यूज प्रोड्यूसर को फॉलो किया है या क्या चीज आपने सर्च किया था अपने कैरेक्टर के लिए? आई थिंक आई हैव ऑलवेज, आई मीन न्यूज तो हम सब देखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर, हमने रियल लोकेशंस पर शूट किया, हमने CNN के ऑफिस में जाके शूट किया, एंड उसके एक दो दिन पहले आई वॉज जस्ट ऑन द एज फार विदाउट बींग एन एक्टर, बिना सेट पर रहे, वी वर जस्ट लुकिंग अराउंड कि ये करते कैसे हैं, बट दे ऑलवेज सो बिजी. एक न्यूज़ प्रोड्यूसर को फॉलो करने के लिए द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ बी बिजी ऑल द टाइम. उनके पास सांस लेने का भी वक्त नहीं होता है, एंड नो प्रॉब्लम इज़ आई थिंक एज अ न्यूज़ प्रोड्यूसर their professional problems are so large that they don't have that much time to look into their personal side. Aur itni badi badi professional issues se wo tackle karte hain ki unki jo personal problems hai ya personal niji zindagi hai wo it always takes a back seat, and you till there's a lot of serious issues that come up, and Divya as a character is very very similar. Aur newsroom mein humne jaake kafi work bitaya till we actually started shooting for it, but as far as my performance is concerned, I think all the credit goes to Munish and Ranveer. In dono ne, they've like held my hand through it all. Kyunki jab main pehle din jab main pahunchi thi versus the performance I was doing about 30 days later was all credit to both of them. Agar buri bhi ho to inhi ka fault hai. I think Neha is being really modest. She's one of the finest actresses in the country, and I've always believed that. Aur main aapko bata dun ki jab main ye script likh raha tha to maine sirf Neha aur Ranveer ko soch ke ye script likhi thi. और मैं ये बार बार बोलता हूँ, एक दो इंटरव्यूज़ में मैंने पहले भी बोला है कि अगर ये दोनों मना कर देते तो मुझे नहीं पता था कि मैं किसी और को स्क्रिप्ट देता हूँ. आई वॉज़ वेरी थैंकफुल और बहुत अच्छा लगा कि इन दोनों को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई. एंड नेहा जस्ट बीइंग मॉडेस्ट, शी हर परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म एंड ऑल दी अदर फिल्म्स दैट वी हैव सीन प्रूव्स दैट शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दैट वी हैव इन दिस कंट्री. नॉट श्योर, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी. ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा, बट ट्रस्ट मी जो फिल्म भी है, जितनी भी आपको अगर बाय चांस लग रही है कि सीधी है, सीधी नहीं है, बहुत घूम घुमैया है और बहुत दाव पेच हैं पिक्चर में, जिसको कि अक्सर आप लोग सस्पेंस के नाम से जानते हैं. सो आई जस्ट होप दैट आप लोग फिल्म देखेंगे और इंजॉय करेंगे. अमन नहीं तो क्या मैंने क्या रिसर्च करी अमन के लिए? नहीं देखिए, अमन का जो जो किरदार है वो बेसिकली एक मिडिल क्लास दिल्ली वाले का है, सो विच इज़ समथिंग आई एम क्वाइट फेमिलियर विद, इफ़ नॉट वेरी क्लोज टू माई सेल्फ. तो ऐसी कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी कि मतलब उसमें फिल्म में वो एक आधा छोटा मोटा घपला करता है, बट मैंने कोई घपले नहीं किए रिसर्च के लिए. सो ऐसी कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी. इट्स एवरेज डेली आइट का रोल है, and I think I've done some of those already. Neha, script mein aapko aisi kaun si khaas baat lagi jiske wajah se aap attract hui is movie ke liye? Well, sabse pehle to ye ki bahut hi achhi script hai, aur dusra mera jo kirdaar tha, to have faith in me to like, you know, kai baar mujhe aisi scripts offer hoti hain where like, you know, the film is always interesting and good, but the path's not so meaty. Of course, ek actor hone ke nate to get such a meaty role in a film इज़ एन अदर इंसेंटिव. मुनीश को मैं बहुत देर से जानती थी और मुझे मालूम था कि जिस दिन भी वो पिक्चर बनाएगा बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाएगा, बट आई डिडंट नो दैट ही इज़ गोइंग टू ऑफर द पार्ट टू मी. एंड यू नो, एक फिल्म जब हम फिल्म सेट पर होते हैं या फिर हम आउटडोर पर होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है यू हैव टू इन्जॉय द पीपल यू वर्क विद. सो व्हेन मुनीश टोल्ड मी दैट रणवीर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, और मैं रणवीर के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, सो यस, एवरीथिंग, मुनीश डायरेक्टिंग, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतना अच्छा किरदार, और मुझे मालूम था 40 दिन अगर मैं दोस्तों के साथ रहूँ और काम करूँ, कुछ सीख लूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, सो एंड आई वर्क्ड विद द कैमरामैन अर्लियर, तो आई जस्ट थॉट दैट इट्स अ ग्रेट रीजन टू डू अ फिल्म. So what is the USP of this movie? The story, it's different. You know, it's awful to say it's different because hum sab hamesha bolte hain ki ye film bahut alag hai, film bahut alag hai. Actually, I would have to say it's very relatable because these struggles between a husband and wife are something that every middle class couple in Delhi or anywhere goes through. Secondly, before we even started the press conference, now it's extremely topical. And thrillers are something that are very rare. Good thrillers are something in our industry that are even more rare. So I would say all of that.
And I can go on about the USP, but I'll let Ranvir answer the second half. Yeah, I'll see if, like you asked, what is the USP of the film? I think what doesn't come through with the trailer, or no matter what we try to tell you right now, because it's a crime thriller, and there's a certain amount of information that we can't talk about. We can't reveal things about the film. But it'll be a spoiler for you guys. So the best thing, I think the best way to answer what you asked, what is the USP of the film, is I think is to say that it reads like a James Hadley Chase novel. So husband, wife, Delhi, backdrop, nobody, yahan pe koi bhi saaf sutra nahi hai. You know, there's everybody is playing games with each other. Everybody is kind of betraying each other. Even within the couple also, have I said too much? Okay. So my point is, it's if you are familiar with what I'm talking about, it's you know what a fast-paced crime thriller feels like. It's one of those, and the script itself has a very fresh perspective, fresh narrative, which again, once you again, I don't want to spoil it for you. When you see the film, you'll realize. Munish will add something. Okay. I just want to add that when you're writing the script, your most important, jo to aap sochte rehte hain ki how to engage the audience. And there are many different ways of engaging the audience, emotionally or trying to get your audience to identify with the characters. With this film, jab hum likh rahe the, to mera effort yehi tha ki audience ki engagement is level pe rehni chahiye ki ab kya hoga. Aur mere ko lagta tha ki mera challenge ye hai ki audience ek cheez soche, कि अब ये होने वाला है, ये पिक्चर इस बारे में है, लेकिन वो एकदम कुछ और किसी और जर्नी पे ले जाएं. तो इस फिल्म का जो इन्वॉल्वमेंट विद द एंगेजमेंट ऑफ द ऑडियंस से मैं बहुत आई एम वेरी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस ऑफ दिस फिल्म. मुझे लगता है कि वी विल फूल द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ, वो सोचेंगे कि ये फिल्म इस बारे में है और तीन चार बार डिसीजन लेंगे कि अच्छा ये फिल्म इस बारे में है देखते हुए, लेकिन वो उस बारे में नहीं है, वो फिल्म कहीं और चली जाएगी. I mean, I just...